स्वस्थ शहर स्वच्छ शहर के सामाजिक संदेश को लेकर शहरवासियों ने रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सरस्वती स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में यह 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे स्कूल मैदान पर चहल पहल शुरू हो गई थी। बच्चे, किशोर, युवा और 60 की उम्र पार कर चुके चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा बने। आयोजन की विशेषता यह रही कि दौड़ को जिला न्यायाधीश जीसी मिश्रा के साथ दौड़ को हरी झंडी दिखाने के बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा भी दौड़ का हिस्सा बने और तय मार्ग पर दौड़ भी लगाई। समापन पर कलेक्टर ने आमजन को स्वच्छता की आदत एवं नियमित चलने दौड़ने के लिए प्रेरित किया। आयोजन समिति के प्रीतेश अग्रवाल ने बताया, उक्त आयोजन सामाजिक संदेश को लेकर था। यह कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जगह नीति में नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ा हूँ और मेरा रोजाना का वॉकिंग का और रनिंग जॉगिंग का मेरा 12 किलोमीटर पर डे चल रहा है 7 साल से नॉन स्टॉप बिना नहा के। मेरा 12 किलोमीटर का मैं हिसाब किताब पूरा रखता हूँ सुबह और शाम मिला करके। तो हम लोगों को एक ऐसी आदत डालने की जरूरत है कि कम से कम हम बिस्तर से सुबह उठे हैं, आराम आलस ना करें। आलस मतलब हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। उठिए, घर से बाहर निकलिएगा, चलिए फिरिएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपको ये 3.5 किलोमीटर कुछ नहीं लगेगा, आपको 10 किलोमीटर में भी थकान नहीं आएगी, नहीं आपको पानी पीना पड़ेगा। मैंने पानी नहीं पी बीच में, आते ही लोग खाने के लिए पे पड़े। मैं इसमें भी एक मैसेज देना चाहूंगा, मैं जो अच्छी चीज जो बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज के बाद में आधा घंटे तक उसको खाना खाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि तो आपने जो कैलोरी बर्निंग की हुई है, उस कैलोरी बर्निंग किया हुआ है, आप फिट तभी रह सकते हो जब आप लोग अपना टाइम टेबल बनाओगे, कब खाना है कब पीना है। लोग तो ये भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी भी नहीं पीना चाहिए और 1 घंटे बाद में भी पानी पीना चाहिए। और ये इसका प्रयोग मैं खुद करता हूँ अपने पर। मेरा टाइम टेबल है, मैं खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीता हूँ। मेरे को जब बहुत मेरा जो खाने जो बोलते हैं जठर अग्नि, जो हमारे अंदर की जो अग्नि है वो खाने को पकाने लग तो अपने आप मांगता है पानी की आवश्यकता है 1 घंटे बाद में। तो हमको और मैं चाह रहा था कि दौड़ो, मेरे साथ कई लोग दौड़े हैं, मैंने कई लोगों को दौड़ाने की कोशिश की पर बीच बीच में लोग जो है मुझे छोड़ते गए। फिर मैं एक बार अकेले दौड़ने लगा, कई बार मैं रुकने की कोशिश कर रहा था पर मुझे लग रहा कि दौड़ने चाहिए इसमें। तो मैं 2-3 चीज़ें लोगों को कहना चाहूँगा, जो बच्चे भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बच्चों में भी जान नहीं है, बच्चों में बहुत जान होना चाहिए, नॉन स्टॉप दौड़ना चाहिए बच्चों को, है ना। बुजुर्ग तो गए काम से पर बच्चों को तो पूरा जिंदगी में दौड़ना है। ये सारे बच्चे मैं देख रहा था रास्ते में दौड़ करके, कोई पानी पीने लगता है, कोई पानी की बोतल फेंकने लगता है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा था। ये स्वच्छ खरगोन का जो नारा है ऐसे ही पूरा नहीं होगा, हम लोग खुद गंदा करेंगे तो इसको स्वच्छ नहीं बना सकते। इसलिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ लोगों ने बच्चों ने बोतल डाल दिया है, ये डाल दिया है, ये सब हमारी आदत बन जाना चाहिए। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबकी आदत बन जाना चाहिए कि जो भी गंदगी है कम से कम मैं तो नहीं फैलाऊं, शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा योगदान कम से कम ये हो सकता है। आप देखिए कुछ हमारे देश में जैसे इंदौर जैसे शहर, कोई वो स्वच्छ लगातार स्वच्छता में 5-6 रिकॉर्ड ऐसे ही बना दिए, वहाँ के एक एक व्यक्ति का उसमें रोल है। तो मैं सबसे पहले ये उम्मीद करता हूँ कि आज की ये दौड़ है, मैराथन दौड़ जिसको रैनाथन दौड़ कहा गया है, इस दौड़ के माध्यम से जितने भी लोग आए हुए हैं ये खुद एक प्रण लेके जाएं, प्रण से काम ही चलेगा, उनको एक अपनी आदत बनानी होगी। क्योंकि हमारी आदतें ही हमको आगे लेके जाती हैं। हमारी आदतें कैसी हैं, तो हमारी आदतें होना चाहिए हमेशा दूसरी चीज़ों से हमको सीखने की आवश्यकता है। यदि मैं स्वच्छ ताकि बात करता हूँ तो पहले मैं व्यक्तिगत रूप से भी स्वच्छ रहूँ, ना कोई गंदगी भी ना फैलाऊँ और मैं अपने शहर में ये मैसेज दे पाऊँ कि पूरा शहर तभी स्वच्छ रहेगा जब हर बच्चे से लेकर के बुजुर्ग नागरिकों को गंदगी फैलाने से खुद रोकें और उनको प्रेरित करें कि वो स्वच्छता में यहाँ पर सहयोग दें। दूसरा, फिटनेस के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तो डॉक्टर्स की जो टीम है, आईएमए टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की। वैसे डॉक्टर वैसे फिटनेस की तरफ यदि लोग करते हैं तो उनका बिजनेस माना जाता है,
क्योंकि वो दिलों को फिट कर देंगे तो डॉक्टर्स के पास कोई नहीं आएगा। तो एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है कि चलो अच्छा कोई भी ना आए पर सब लोग फिट तो रहे। तो उसके लिए फिटनेस के लिए मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे लगातार दौड़े और वो 3.5 किलोमीटर नहीं वो 10 किलोमीटर दौड़ सकते थे। खरगोन एसोसिएशन एवं सरस्वती विद्या मंदिर खरगोन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज 13 अगस्त रविवार को रेनाथन 23 का आयोजन किया गया और इसके पीछे उद्देश्य जो है वो स्वच्छ खरगोन के उद्देश्य को लेकर के आज यह रेनाथन का आयोजन किया गया है। क्या संदेश देना के काम आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि चाहे नगर के बच्चे हों युवा हों चाहे बुजुर्ग हों सभी लोग स्वस्थ रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें सुबह जल्दी नित्य उठें और अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें साथ ही साथ नगर को स्वच्छ बनाए रखें इस ओर भी पूरा ध्यान सभी का रहे। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।